हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल गार्डनर्स. आप ये जो प्रिटी फ्लावर देख रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है, ये बोगनवेलिया का. मैंने इसे जो है 2019 में परचेस किया था, बाय किया था, और ये अभी भी काफ़ी अच्छा जो है छोटे से पॉट में लगा हुआ है. ये आप प्लांट का जो है साइज और फ्लावर देख सकते हो. आपको इसमें जो है फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देना है व्हेन दे आर ब्लूमिंग, जब ये खिल रहे होते हैं. और फ्लावर में कोई भी कमी नहीं है. ये काफ़ी प्रिटी फ्लावर्स इसके लगते हैं. और आप ये ज़रूर लगाइए अगर आपका जो टेम्परेचर है 30-35 डिग्री, इवन 40 तक चला जाता है अगर आपके जोन में, तो ज़रूर इसे आप लगाइएगा. ये ईजिली चल जाता है. ये एक और वैरायटी है जो मैंने इसी जो है साल ख़रीदा था. मैंने इसे मार्च में लिया हुआ था. ये अभी खिल रहा है. ये भी प्लांट काफ़ी सुंदर लगता है. इवन जब ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं तो भी इनका प्लांट देख के काफ़ी अच्छा लगता है. लीफ जो है काफ़ी सुंदर लगते हैं, प्रिटी लगते हैं. ये एक और वैरायटी है जो पूरी तरीके से खिल चुकी है, बस इतना ही अभी बचा हुआ है. इसमें भी काफ़ी ज़्यादा भर भर के फ्लावर आते हैं. ये मैंने 30 रुपीज़ में लिया हुआ था प्लांट. ये भी मैंने पिछले साल ही ख़रीदा हुआ था. और ये जितने भी आप स्टीम देख रहे हो अभी, जिसमें फ्लावर अभी आ रहे हैं, ये पूरा जो है ये फूल से भरा हुआ था. देयर वॉज ए टाइम, एक्चुअली एक समय था जब ये भरा हुआ था. और एक और है मेरे पास, ये अनफॉर्चुनेटली येल्लो निकला है. अदरवाइज आई वॉज विलिंग टू बाई अ वाइट बोगनवेलिया. मुझे वाइट वाला चाहिए था, बट ये भी काफ़ी प्रिटी है, सुंदर लग रहा है. बट वैसा कलर नहीं है जैसा मुझे चाहिए होता है. ये येलो कलर मुझे खास पसंद नहीं आता है. आई विश ये रहता अगर लेमन येलो तो भी प्रिटी लगता. वेल, फ्लावर्स होते हैं, सभी सुंदर लगते हैं. और पूरे इस समय भी फ्लावर आ रहे हैं. मैंने इसे ही इसी साल ही ख़रीदा हुआ था अप्रैल के अराउंड, और ये भी खिल रहा है. ये भी काफ़ी बड़ा पॉट है, और मैं इसे बाद में जो है छोटा पॉट है सॉरी प्लांट काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे बाद में पॉट को जो है मैं चेंज कर दूँगा. पॉट देखिए, लो मेंटेनेंस से भी प्लांट होते हैं. और इसे आप ज़रूर लगाइए, 40 डिग्री टेम्परेचर चले जाते हैं तो.